हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे थे और इसके हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिए हैं। आज अपन 10 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आप पीछे वाले कंटिन्यू क्लासेस ले रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको दिक्कत लग रही है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। थोड़ा से चैप्टर बड़ा हो रहा है क्योंकि प्रत्येक क्लास में अपन 2 या 3 ही क्वेश्चन, जैसे थ्योरम अपने पढ़ी थी तो कई थ्योरम तो हमने एक एक थ्योरम पढ़ी थी क्लास में और वो आधे घंटे की क्लास रही थी। तो मैं मानता हूँ इसकी क्लासें थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है। 6.5 तक एक्सरसाइज है, वैसे चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा है और हो सकता है आपको एक बार में समझ में नया आए तो थोड़ा सा आप दोबारा पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर ऐसा है जो बार बार रिविजन मांगेगा, यानी इसलिए थोड़ा सा मैंने पहले करवा दिया है ताकि आप इस चैप्टर का 2 या 3 बार रिवीजन अच्छे से कर पाओगे तो आपके 4 नंबर कटेंगे नहीं। ये मैं मानता हूँ कि आपके जो 4 नंबर का चैप्टर है इसमें से 3 नंबर, ये नहीं है कि 3 नंबर आ जाएंगे या 2 नंबर आ जाएंगे, यानी इसमें से या तो कोई थ्योरम आएगी या क्वेश्चन आएगा तो ईजी क्वेश्चन आएगा, थ्योरम के बेस पे ही क्वेश्चन आएगा। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है थ्योरम पे, और थ्योरम करने के बाद में आप क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन आप चलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिएगा, ये अपन 10 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। और वैसे सिलेबस की बात है तो सिलेबस भी हमने बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, प्रत्येक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है और इसकी PDF भी डाल रहे हैं तो आप वैसे भी देख सकते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूँ। CD डायग्राम मैंने थोड़ा पहले बना दिया है ताकि टाइम न लगे, थोड़ी टाइम की बचत करनी जरूरी है। यानी एक क्वेश्चन में अगर अपन 10-15 मिनट लगाते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। CD और GH क्रम से ACB, यानी CD, ये CD है और ये GH है, क्रम से ACB और EGF के क्या है, एक तरीके से समद्विभाजक हैं। यानी ये कोण सी, पूरा कोण सी है उसका, ये CD है ना, ये समद्विभाजन कर रहा है। यानी जितना मान ये है उतना ही मान क्या है ये है, और जितने डिग्री का ये एंगल है उतने ही डिग्री का ये एंगल है, यानी ये इसका समद्विभाजक है। सी का CD और जी का GH समद्विभाजक है। बिंदु D और H क्रम से के AB और EF पे स्थित हैं। D और H त्रिभुज ABC के AB भुजा पे और EGF के EF भुजा पे स्थित हैं। आपको ये भी दिया गया है कि त्रिभुज ABC क्या है, FGE के, यानी ये बड़े वाला त्रिभुज ABC EGF या EFG के क्या है, समरूप है। तो दिया गया है वो लिख लेते हैं, त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज EGF के, ये दिया गया है। और समद्विभाजक भी है, यानी ये लिख सकते हैं आप, वह एंगल ACD बराबर है एंगल DCB, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये समद्विभाजक है। तो और उस ट्राइंगल का लिख दो EGH, एंगल EGH बराबर है एंगल HGF। इतना समझ में आ गया, जो गिवन है वो लिख दिया है, जो सिद्ध करना है वो मैंने लिख रखा है पहले से, तो आपका थोड़ा टाइम भी बचेगा इसमें। अब देखिएगा उपपत्ति लेके चलते हैं। उपपत्ति में अपन क्या पढ़ेंगे, हमें ये लेके आना है पहली कंडीशन, ये थोड़ा सा ध्यान दें, पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, CD और GH, CD और GH, AC और GF, AC और GF, हाँ, यानी एक तो ट्रायंगल ये, एक नंबर ट्रायंगल और 2 नंबर ट्रायंगल, इन दोनों त्रिभुज को अगर अपन समरूप कर दें तो हमारा काम चल जाएगा यहाँ से। तो देखते हैं इन दोनों ट्रायंगलों में अपने एक समरूपता का सिंबल देखते हैं। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज, पहले बड़े वाले त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, ACB EGF के समरूप है।
अब समरूप है तो यहां से एंगल सी बराबर होगा एंगल जी के, समरूपता से ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण बराबर हो जाएंगे यानी एंगल सी एंगल जी के समरूप है, समरूप क्या इक्वल है, एंगल सी जी के इक्वल है क्योंकि त्रिभुज ए सी बी और ई जी एफ दोनों क्या है, समरूप है। अब ये इसका समद्विभाजक भी है तो इसके नामकरण कर देते हैं। थोड़ा सी इस प्रकार से लिखोगे ना, पूरा ये एक्सप्लेन इस प्रकार से करके लिखोगे, थोड़ा सा लेंथ ही लगेगा आपको, तो इजी बनाने के लिए इसका एक नंबर एंगल है, दो है, तीन है और ये चार है, नामकरण कर दिया। तो अपन लिखेंगे यहां एंगल एक बराबर है एंगल दो, क्यों, सी डी समद्विभाजक है इसलिए एंगल एक बराबर होगा एंगल दो के, एंगल एक बराबर होगा दो के क्योंकि सी डी इस एंगल का समद्विभाजक है। एंगल तीन बराबर होगा एंगल चार के, यहां पे जी एच समद्विभाजक है यानी यहां पे ये भुजा जी एच इस एंगल कंप्लीट जी का समद्विभाजक है इसलिए तीन बराबर होगा चार के। लेकिन हमने तो ये लिख रखा है कि सी जी के बराबर है। देखो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि एंगल सी का मान हमारे पास में 80 डिग्री है और एंगल जी का मान भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने बराबर कर रखा है समरूपता से। अब मैथमेटिकली ज़्यादा समझ में आता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली एक संख्या ले ली है। ये एंगल एक क्या हो जाएगा, भी दोनों बराबर होंगे तो 40-40 के होंगे, एंगल एक और एंगल दो भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। वह एंगल तीन कितना होगा, यहाँ पे 40 डिग्री होगा और एंगल चार भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो मेरे को भैया बता दो ये भी बराबर हो जाएंगे क्या, एंगल एक चार के बराबर होगा, एंगल एक तीन के बराबर होगा, एंगल दो चार के बराबर होगा, एंगल तीन दो के बराबर होगा, 40-40 है, सारे आपस में बराबर हैं। तो अपन यहां से लिख सकते हैं, अब एंगल एक बराबर होगा एंगल चार के व एक बराबर होगा एंगल तीन के तथा एंगल दो बराबर होगा एंगल चार के व एंगल दो बराबर होगा एंगल तीन के। आगे लिखोगे क्योंकि एंगल सी बराबर हैं एंगल जी के, ये कंडीशन है कि एंगल सी बराबर है जी के इसलिए ये चारों कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है, डस्टर कहाँ पे चला गया, हाँ तो इसको मैं थोड़ा इरेज करना चाहूँगा, ये आप समझ गए होंगे मैथमेटिकली कैलकुलेशन। अब देखो हमें लेके क्या आना है, मैंने बताया ये जो साइड है आपकी सी डी और जी एच, ए सी और आपकी जी एफ, यानी इन दोनों ट्रायंगल को आपको समरूप करना है। तो इसमें देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तरीके से देखें तो ये ट्रायंगल आपके पास में ये एंगल एक किसके बराबर होगा, तीन के बराबर होगा और यहां से आपके पास प्राप्त हो जाएगा। अब लिखोगे त्रिभुज, साइड की भुजा का रेशियो बराबर कर देंगे, एंगल एंगल से दोनों को समरूप कर देंगे। तो एंगल एंगल से दोनों समरूप हो रहे हैं क्या, त्रिभुज कौन कौन से हैं, ये ऊपर वाला, हाँ ठीक है, ये इसका चार नंबर एंगल और इसका दो नंबर एंगल, ये देखो एंगल चार और एंगल, अच्छा ये बराबर है, ठीक है ठीक, ये चार एंगल एक के बराबर है, ये रहा एंगल चार या एंगल यहां पे रख लो, एंगल चार एक के बराबर है। तो लिखोगे त्रिभुज कौन से में, त्रिभुज ए सी डी व
त्रिभुज का नाम लिख लो पहले, त्रिभुज एच जी एफ में एंगल एक बराबर एंगल चार के, एंगल एक बराबर है एंगल चार के, और यहाँ से ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एंगल दो किसके बराबर हो जाएगा, दो हो जाएगा आपके पास में तीन के बराबर है, और वैसे ये एक दूसरे के बराबर भी हैं, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये समरूप है। यहाँ से समरूपता से ये भी लिख सकते हैं आप, ये आपने सी जी के बराबर किया था, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एंगल एक बराबर होगा एंगल एफ के, वह एंगल बी ई के बराबर होगा, क्योंकि समरूपता से क्या हो सकता है, सभी एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, तो आप लिखेंगे एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो एंगल एफ बराबर हो जाएगा। यहां पे लिखोगे सिद्ध कर दिया, ये तो आपने सिद्ध कर दिया, और ये लिखोगे समरूपता से लिख देना यहां पे, समरूपता से या दिया गया, ये लिख दो, दिया गया है। अब देखो एंगल एंगल से दोनों कोण, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो लिखोगे त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज ई, अच्छा नीचे वाला लेना है क्या, एच जी एफ, और कौन से रूल से, एंगल एंगल से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो लिख दो। अब देखो इसने पहले सी डी दे रखा है, तो सी डी कहां पे है, सी डी ये सी डी अपॉन में इसने दे रखा जी एच, तो इसका भी कौन, इसकी भी कौन सी साइड आएगी, जी एच आ गई। अब पहले ये त्रिभुज लिया है तो आपका आपको पुनः ही इसकी साइड ऊपर लिखनी है, जैसे इसने लिखी है ए सी, तो ए सी और इसकी कौन सी हो जाएगी फिर जी एफ, और फिर इसकी लेंगे तो ए डी या डी ए, और इसकी आ जाएगी एच एफ या एफ जी एफ एच, तो ये हमें लेके नहीं आने, दो ही लेके आनी है, तो ए सी अपॉन में जी एफ कहां से आएगा, समरूपता से, ये आपके पास में समरूपता से एच पी हेंस प्रूफ, यानी पहली बात आपकी सिद्ध हो चुकी है जो आपको लेके आना था। अब इसके बाद में देखो सेकंड नंबर है डी सी बी, कौन सा ट्राइंगल है, डी सी बी नीचे वाला एच जी ई, एच जी ई ये रहा, तो डी सी बी में आपने यहां पे लिखा, मैंने बताया था कि ए एफ के बराबर है, सी जी के बराबर है, और बी ई के बराबर है, तो बी ई के बराबर है, तो ये भी बात लिख दो, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तीनों ही कोण बराबर कर देना। तो यहां से आपके पास में ये कंडीशन तो आपने निकाल रखी है, कौन सा ट्राइंगल लेने की बात चल रही है, डी सी बी सेकेंड नंबर में यहां पे लिखूंगा, और ये तो बस इतनी ही बात आपको प्रूव करनी थी कि एंगल एक चार के बराबर, एंगल दो चार के बराबर, एंगल दो तीन के बराबर, एंगल एक चार के बराबर, ठीक है। अब इतनी बात प्रूव करने के बाद ये तो हो जाएगा इजी हो गया, अब तो ट्राइंगल डी सी बी समरूप है ट्राइंगल एच जी ई, वह ट्राइंगल में हम लिखेंगे एंगल, ये नीचे वाला, अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, अब हमें ये ट्राइंगल दिया गया है एक तो, और एक हमें ट्राइंगल दिया गया ये, इन दोनों को क्या करना है, समरूप करना है, तो ट्राइंगल एक में तो एंगल दो, और ट्राइंगल दो में एंगल तीन बराबर है, देख लो एक और तीन बराबर, दो और तीन बराबर है, देख लो दो और तीन बराबर है, तो लिखोगे एंगल दो बराबर है एंगल तीन के, कहां से सिद्ध किया या सिद्ध या ज्ञात कर लिया, ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ज्ञात कर लिया, ज्ञात कर लिया है हमने, और इसमें एंगल बी
एंगल बी ई के बराबर है समरूपता से, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है तो एंगल बी ई के बराबर है, तो लिखोगे एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और ये हो जाएगा समरूपता से यह दिया गया है, दिया गया है। तो एंगल एंगल से त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा एंगल ट्राइंगल एच जी, त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई, कौन से रूल से, एंगल एंगल से या कोण कोण से, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। इसी प्रकार से डी सी ए, डी सी ए और एच जी एफ, एच जी एफ ये तो आप पहले ही समरूप कर चुके हैं, ये रहे ए डी सी और एच जी एफ, इसको आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, आप पहले ही इसको समरूप सिद्ध कर चुके हैं, समरूप होने के नाते ही आपने ये कंडीशन लिखी थी, तो आपका ये क्वेश्चन हल हो गया, यही बात आपको लेके आनी थी। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो क्या करना है, दो ट्राइंगल दिए गए हैं ए सी बी ई जी एफ, ठीक है, एंगल सी का समद्विभाजक सी डी, एंगल जी का समद्विभाजक जी एच, समद्विभाजक है तो एंगल एक और दो बराबर हैं, एंगल तीन और चार बराबर हैं, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं, त्रिभुज समरूप है तो एंगल सी और एंगल जी बराबर हैं, एंगल ई और एंगल बी बराबर हैं, एंगल ए और ई एफ बराबर हैं। अब आप बोलोगे कि सर जी ए तो ई के बराबर होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं भी कौन कौन से एंगल बराबर, जो ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं वो बराबर होने जरूरी थोड़ी ना, ए एफ के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी जी के बराबर है, हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है तो आपने क्या किया, ये दोनों आपस में बराबर है तो ये चारों एंगल एक दो तीन चार आपस में बराबर हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे और ये एंगल आपको दिए गए हैं, ये आपने बराबर कर दिए, अब कोई सा भी ट्राइंगल आपसे पूछ ले सारे के सारे समरूप होंगे, एंगल एंगल से समरूप हो जाएंगे, साइड की आपको आवश्यकता नहीं है, और एंगल एंगल से आपने समरूप कर दिया तो साइड का रेशो आप जानते हैं बराबर होता है, ये आपने समरूपता से लिख दिया। अब आगे तीसरी भुजा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें यही तो प्रूव करना था, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब अपन नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या करते, 6.40 में ए बी ए सी बराबर है, ए बी ए सी जैसा कि आप आकृति देख पा रहे हैं दिया है, दिया है क्या, ए बी बराबर ए सी, एक समद्विबाहु यानी समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ए बी सी है कि बढ़ाई गई भुजा सी बी या बी सी पे एक कोई बिंदु बाहर की तरफ आपने ई ले लिया और ई को आगे एफ पे मिलाया, ई एफ जो परपेंडिकुलर है किस पे, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे और ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, तो सिद्ध कीजिए ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल सी ई एफ, अच्छा इन दोनों ट्राइंगल के क्या हैं, एक दूसरे को सिमिलर करना है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये दिया गया है वह ए डी परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, तथा क्या है, तथा ई एफ, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी या ए डी बी कर दो कोई बात नहीं, ए बी डी ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल को त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी ई एफ यानी सी ई एफ के समरूप है। चलो उपपत्ति, उपपत्ति में देखो सबसे पहले आपको जो गिवन है ए बी बराबर ए सी, तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में एंगल
एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर मैंने सी कर दिया, रीजन है ए बी और ए सी बराबर हैं, और यहाँ पे आगे थ्योरेटिकल रीजन अगर आप बताना चाहो तो पढ़ेंगे कि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं और समान कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है, तो AC के सामने वाला कोण त्रिभुज ABC की बात चल रही है तो B, और AB के सामने वाला कोण ABC की बात चल रही है तो एंगल C, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एंगल B और एंगल C बराबर होंगे। वैसे भी नाम दिया गया समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो कोण तो बराबर होंगे, तो B और C को बराबर कर दिया क्योंकि इसके सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। तो लिखोगे क्योंकि समान भुजा भुजा के सामने के समान भुजा के सामने के कोण, समान भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, के कोण, के कोण समान होते हैं, या आप लिख सकते हैं समान कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है, तो लेकिन हमें तो भुजा दी गई है, हमने तो कोण बराबर किए, तो समान भुजा के सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। चलो ठीक है, अब लेते हैं, अब त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी ई एफ में एंगल ए डी बी बराबर है एंगल सी एफ ई या ई एफ सी, क्यों बराबर है, ये देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री हमें दिया गया। देखो पूरा रैखिक कोण होता है जिसको अपने 180 डिग्री बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं, ये 90 का है तो ये इस साइड वाला 90 का होता है। लिखोगे समकोण, समकोण है इसलिए दोनों बराबर हैं। वह एंगल, एंगल बी त्रिभुज ए बी सी का लिखोगे एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए या ऐसे लिख दो ई सी एफ, ज्ञात किया या सिद्ध किया, या ज्ञात किया लिख दो, ज्ञात किया जो कि ऊपर दिया गया है, बी और सी हमने बराबर कर लिया था, तो एंगल एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। इसलिए इसलिए त्रिभुज कौन कौन से हैं, ए बी डी, ए बी डी थोड़ा ऊपर लिख दें इसको, ट्रायंगल ए बी डी समरूप है त्रिभुज कौन से, सी ई एफ के, और कौन से रूल से हो जाएगा, एंगल एंगल से, यानी कौन कौन से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हमें यही करना था। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पे, बढ़िया क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी और माध्यिका एडी, देख जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर ठीक की भुजा पी क्यू पी आर या पी क्यू क्यू आर, अच्छा ये बात है, पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है, दर्शाइए कि ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, पी क्यू आर के समरूप है, हमें ये बताना है। तो देखिएगा किस प्रकार से इसको हल कर पाते हैं। सबसे पहले तो दिया गया है, लिखेंगे दिया है भुजा ए बी अपॉन में बी सी, भुजा ए बी पी क्यू के बी सी क्यू आर के, यही दिया गया, भुजा ए बी बी सी और ए डी पी क्यू क्यू आर, और ये ए डी जो कि एक तरीके से माध्यिका है ए डी, और ये हो जाएगा पी एम के समानुपाती है, ये हमें दिया, इसका अनुपात बराबर है इन भुजाओं का, सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है, देखो सिद्ध करना पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखो समरूप कब कर सकते हैं,
या तो एंगल बी ओ क्यू को बराबर कर दें, क्योंकि इन दो भुजाओं का रेशियो हमें दिया गया है, और दो भुजाओं का रेशियो दिया जाए और उनके बीच का अगर कोण बराबर हो जाए तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, या कैसे भी करके तीन भुजाओं का रेशियो हमारे पास में प्राप्त हो जाए तो दोनों को अपन समरूप कर सकते हैं। अगर हमारे पास में तीनों कोण बराबर हो जाए तो अपन समरूप कर सकते हैं, तो या हमारे पास में इनके दो कोण बराबर हो जाए तो इनको अपन समरूप कर सकते हैं। तो दो कंडीशन दे रखी है, लेकिन ये तीसरी कंडीशन हमें इससे लेके आनी पड़ेगी। जबकि ये एक तरीके से माध्यिका है, कोण ए डी और पी एम माध्यिका बनती है, और माध्यिका आप जानते हैं सामने की भुजा को क्या करती है, दो समान भागों में विभाजित करती है। माध्यिका किसी भी ट्रायंगल की भुजा का क्या करती है, समद्विभाजन करती है। जैसे आपने यहां पे लिखा ए डी और पी एम, बी सी का समद्विभाजन करेगी और पी एम है वो क्यू आर का समद्विभाजन करेगी, दो समान भागों में विभाजित करेगी। तो उपपत्ति में लेके चलते हैं उपपत्ति। अब अपन यहां पे लिखेंगे बी सी एक बटा दो होगा, बी सी एक बटा दो किसका, नहीं बी सी नहीं, बी डी एक बटा दो बी सी कर दें, यानी बी डी है ये दूरी या ये दूरी आधी है बी सी की। आगे लिखोगे ए डी माध्यिका है, ए डी माध्यिका है, वह आप लिखोगे यहां पे, ये कोई रिजल्ट निकल जाए आपके पास, ठीक है, यहां पे क्या निकलेगा, क्यू एम लिखोगे, क्यू एम एक बटा दो किसके, क्यू आर के। यहां पे क्या आएगा, पी एम माध्यिका है, पी एम माध्यिका है। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया कि जो ए डी है वो बी सी का समद्विभाजन है, और पी एम है, या आप कह सकते हैं पी एम क्यू आर का समद्विभाजक है, तो आपके पास में क्यू एम किसके बराबर आ गया, या एम आर किसके बराबर आ गया, एक बटा दो क्यू आर के बराबर आ गया। क्वेश्चन में ये दो कंडीशन गिवन है, यहां से तीसरी कंडीशन में अपन रिलेशन लेके आना है, या इसको और इसको हमें बराबर करना है, एंगल बी और एंगल क्यू को हमें बराबर करना है। तो एंगल बी और क्यू को बराबर करने के लिए अगर अपन रिजल्ट कर दें, यानी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के समरूप सिद्ध कर दें, यानी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के समरूप सिद्ध कर दें, तो हमारे पास में एंगल बी और क्यू बराबर आ जाएगा। तो देखो कोशिश करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ये छोटे वाला ट्रायंगल यानी एक नंबर ट्रायंगल ले लिया ए बी डी, ए बी डी व त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज लेते हैं पी क्यू एम, पी क्यू एम दोनों त्रिभुज ले लिए। इसमें देखो दो साइड का रेशियो दे रखा है, कौन कौन सी, यहां से दे रखा है मैं, थोड़ा सा ध्यान लगाना, जो आपको गिवन है वही बात लिख रहा हूं मैं, कोई और मैंने बस इतना लिखा है, जो कि माध्यिका दे रखी थी इतना लिख दिया, अलग से लिखा है बस, और कुछ नहीं किया मैंने अब तक। मैं यहां से लिखूंगा ए बी बटा पी क्यू बराबर, ए डी भुजा दे रखी है, ए डी लिख दिया, ए डी अपॉन में पी एम, इस ट्राइंगल की भुजा पी एम लिख दी। अब मैं बी सी को तोड़ के लिख रहा हूं दो बी डी, अरे देखो बी सी ये भाग में है दो, इस साइड में जाएगा गुणा में जाएगा, तो बी सी का मान कितना है, मैं एक बार यहां पे या वैसे कर देते हैं, आगे ज्यादा बड़ा हो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, काम चल रहा है हमारा तो छोटे में काम चलाने की कोशिश करेंगे, दो इसके गुणा में लग जाएगा दो बी डी, और यहां से दो इसके गुणा में लग जाएगा दो क्यू एम, और आगे रीजन बता देंगे तो काम चल जाएगा। क्या लिखेंगे, रीजन बताएंगे कि
बी डी इज इक्वल टू एक बटा दो बी सी व क्यू एम इज इक्वल टू एक बटा दो क्यू आर। तो दो से तो दो कट जाएगा। देखो किस त्रिभुज की भुजा में अनुपात आ गया, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम इज इक्वल टू ये एम है बी, ये हमारे पास में हो जाएगा बी डी अपॉन में क्यू एम। अब ये रिजल्ट देखोगे ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू कौन सा है ये रहा, इसके बाद में है ए डी अपॉन में पी एम, ए डी अपॉन में इस साइड को पी एम, बी डी अपॉन में क्यू एम, बी डी ये रहा बी डी अपॉन में क्यू एम, यानी त्रिभुज एक और त्रिभुज दो की तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के साइड साइड से दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये हमें करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने कर रखा है ये तो, लेकिन संगत तो कोण बराबर होते हैं यही हमें करना था। तो एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, कहां से आया समरूपता से, समरूपता से आ गया। अब देखो मैंने बोला था पहले ही कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, अगर इनके बीच का एंगल बराबर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो ये समरूपता से, जबकि दिया गया है ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर, बड़े वाले ट्राइंगल की बात चल रही है, दिया है इसलिए त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, दो भुजाओं का अनुपात उनके बीच का कोण बराबर है। तो ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, कुछ नहीं करना, आधा कर देना माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है, किसी त्रिभुज के या त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पे डाला, एक तरीके से ऐसी भुजा डाली जाती है जो कि उसको समद्विभाजित कर दे, वो क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। जैसे बी सी से डालेंगे तो ए बी का समद्विभाजन करेगी, बी से डालेंगे तो ए सी का समद्विभाजन करेगी, पी से डाला तो क्यू आर का समद्विभाजन कर दिया, आर से डालेंगे तो पी क्यू का, क्यू से डालेंगे तो पी आर का समद्विभाजन करेगी माध्यिका। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद में अपन 13 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा स्टूडेंट, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है और इस त्रिभुज में एक बिंदु डी एबीसी लाइन पे इस प्रकार से है कि एंगल दिया है, लिख रहे हैं पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, एंगल ए डी सी बराबर, देखो एंगल ए डी सी यानी ये कोण किसके बराबर है, एंगल बी ए सी यानी पूरे इस ट्रायंगल के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल हैं बी ए सी, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या रे, सिद्ध करना है कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी और सी डी, सी बी और सी डी। अब देखो सी ए का स्क्वायर यानी ए सी या सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी कौन सा है, सी बी और सी डी, सी डी यानी ये। अब मुझे ये लग रहा है मैं इसमें से कोई एक साइड को इसके नीचे लेके आऊं और यहां से सी ए का स्क्वायर है, कई बार बच्चे समझते हैं कि ओनली फॉर ए का ही स्क्वायर है, कंप्लीट सी ए का स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूं सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर,
ठीक है, एक ही बात है, तो आपको वैसे नहीं सोचना है कि ए पे स्क्वेयर है, सी अकेला है, तो दोनों पे ही स्क्वेयर है, सी बी और सी डी। तो एक तो त्रिभुज यहाँ पे आ रहा है, ये छोटे वाला, एक तो त्रिभुज ये, और एक ये टोटल त्रिभुज यानी पूरा बड़े वाला त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों को हमें समरूप करना है। समरूप कर देंगे तो हमारे पास में समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एक छोटा सा रिजल्ट निकालना चाहूँ तो सी ए बटा, आपने एक साइड लिख दी सी ए, बड़े वाले त्रिभुज की साइड लिखी है क्या? हाँ, बड़े वाले त्रिभुज की साइड पहले लिख रहे हैं, तो इसके बाद में आपको छोटे वाले त्रिभुज की साइड लिखनी होती है, तो छोटे वाले त्रिभुज की आप साइड लिखेंगे सी डी। हाँ, सी डी लिख दो, सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज की साइड कौन सी है? सी बी, और फिर छोटे वाले त्रिभुज की साइड कौन सी है? ए सी, ये छोटे वाले त्रिभुज की साइड है। तो ये रिजल्ट हमें लेके आना है, ये रिजल्ट कब आएगा? जब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। एक तो ये छोटे वाला ए डी सी, ये वाला, और ए बी सी वाला, ये अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएं तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो उपपत्ति करते हैं इसकी, उपपत्ति में त्रिभुज लेके चलते हैं ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी, जो मैं नाम लिख रहा हूं वो आप देखते रहना। दोनों में एंगल ए रिपीट हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो लिखोगे एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल ए सी डी। ए सी डी कॉमन है या उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ कोण। इसके बाद में लिखोगे एंगल ए या एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल ए डी सी, कौन सा? बी ए सी ए डी सी के बराबर होगा, ये हमें दिया है। इसलिए दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के, कौन से रूल से? एंगल एंगल से, एंगल एंगल से समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, पहले आपने ए बी सी लिखा है तो ए बी सी की भुजा आपने लिख दी ए सी, ए सी भुजा लिख दी, अब छोटे वाले त्रिभुज की भुजा लिखेंगे ए सी से चलेगी, तो आपने लिख दिया सी डी। इसके बाद में आप भुजा लिखेंगे बड़े वाले त्रिभुज की, तो आपने बी सी लिख दिया, अपॉन में छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बी सी तो लिख दिया, फिर इसका मान ये आएगा ए सी, तो ये रिजल्ट प्राप्त हो। तिरछा गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो ए सी का स्क्वायर या सी ए का स्क्वायर बराबर बी सी डॉट सी डी, बी सी या सी बी डॉट सी डी, एक ही बात है, एच पी एंस प्रू, यही आपको लेके आना था। तो इस प्रकार से ये 13 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन तक ही आज की क्लास रखेंगे, इसके बाद में जो 14 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो वो इस क्लास में रखेंगे, तो ये काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी, वो तो अपन नेक्स्ट क्लास में ही लेने वाले हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सभी स्टूडेंट क्लास को करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को दबा लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।